एक मिनिएचर डेकोरेटिव वॉल आज हम बनाने वाले हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल श्रीतिज पैशन। मैं हूँ श्रीति। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। In my last week's video, I have already shown how to make artificial miniature plant. तो उस वीडियो को आप ज़रूर से चेकआउट कर लें। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वॉल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक MDF बोर्ड ले लिया है। यहाँ पे मैंने इसको कट करने के लिए एक कटर से एक ही जगह पे बहुत बार लाइंस बनाने के बाद ये बहुत नरम हो जाता है, तब इसको मैंने तोड़ लिया है। ऐसे मैंने 3 से 4 टुकड़े बना लिया था, मतलब एक सबसे बड़ा टुकड़ा और एक था जो नीचे वाले फ्लोर जैसा एक बनाने वाली हूँ मैं उसका, और यहाँ पे जो सबसे छोटा वाला है ये 2 शेल्फ बनने वाली है। जो भी अनइवननेस था इन टुकड़ों में उनको मैंने एक सीज़र से कट कर लिया है। एक बड़ा वाला सीज़र लिया था मैंने। अब मैंने थोड़ा सा मोल्डेड क्ले ले लिया है और क्ले को तैयार करके इसको एकदम पतला रोल करके अभी सारी चीज़ों को मैं चिपकाने वाली हूँ। तो ठीक जैसे मैंने वीडियो में दिखाई है वैसे ही आपको करना है। थोड़ा सा क्ले और थोड़ा सा ग्लू एक साथ करके उसके ऊपर मैंने इसको रख के बहुत अच्छे से फिक्स कर दिया है। और इसका फिनिशिंग जो लुक है उसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए एक छोटा स्केल लेके एक्स्ट्रा जो क्ले का पोर्शन था उनको मैंने एकदम साफ कर दिया है। अब इसको मैंने 2 पेंट बॉटल से एकदम सीधा करके रख दिया है। अब मैंने एक स्टूल बना लिया है और एक छोटा सा घड़ी मैं यहाँ पे बना रही हूँ। ठीक जैसे मैंने वीडियो में दिखाई है वैसे ही आपको करना है, ये तो बहुत ही आसान है। और ये मैं एक लैम्प शेड बना रही हूँ। इसके लिए मैंने वायर लिया था जिसको मैंने टी शेप में बना लिया था। टी का ऊपर वाला हिस्सा मैंने ढक्कन के अंदर रख के उसको क्ले से फिक्स कर दिया था और ये हमारा बन गया था लैम्प शेड। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा रेक्टेंगुलर शेप कट करके एक फ़ोटो फ्रेम बना लिया है और एक यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बड़ा साइज का राउंड शेप बना लिया है। अब मैं इन सारी चीज़ों को सूखने के बाद कलर करने वाली हूँ। तो कलर आप अपने पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जैसे वुडन कलर के लिए ब्राउन शेड से स्टूल को कलर किया है और फ़ोटो फ्रेम के बाहर वाला हिस्सा। और यहाँ पे मैं जैसे कलर कर रही हूँ आप एकदम अपने पसंद के हिसाब से कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। और यहाँ पे मैं वॉल को वाइट ही रख रही हूँ लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने पेंटिंग किया है और बाकी का हिस्सा मैंने वाइट कलर से कलर किया था। सो बेसिकली मैं इसको अपने किचन में सजाने वाली हूँ, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा जो राउंड शेप का फ़ोटो फ्रेम बनाई थी उसके अंदर मैंने लिखा है टी पॉजिटिव। आप तो शायद देखते हैं एक वीडियो 5-7 मिनट, 10 मिनट मैक्सिमम 15 मिनट का होता है, लेकिन इसको बनाने के लिए मुझे पूरा हफ्ता काम करना पड़ता है। मतलब खड़ी होकर मैं वीडियो बनाती हूँ तो अगर इसके बाद 200-300 व्यूज़ आए एक वीडियो में और 20 से 25 लाइक्स, तो टू बी ऑनेस्ट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और मेरा एकदम वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, क्योंकि इसको बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है और उसके बाद आपका सपोर्ट अगर ना मिले तो लगता है आई विल जस्ट गिव अप। अगर आप दिल से चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाती रहूं और आपसे शेयर करती रहूं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और उसके साथ ही लाइक कमेंट और शेयर भी कर देना। यहाँ पे वॉल तो हमारा बन चुका है लेकिन अब इसको हैंग करना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक मैक्रम का टुकड़ा ले लिया है और उसके साथ ही थोड़ा सा क्ले। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्ले पहले लगा रही हूँ कॉर्नर की तरफ, उसके ऊपर मैंने ये धागा रख दिया है, मतलब मैक्रम को रख दिया है, और ऊपर से मैंने थोड़ा सा क्ले रख के इसको
सिक्योर कर लिया है। अब इसको थोड़ा सा अच्छा लुक देने के लिए मैंने इसको एक ट्रायंगुलर शेप दे दिया है। अब ये ऑप्शनल है, अगर चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो मत करिए। और इन सारी चीज़ों को मैं एक एक करके इसके ऊपर रख दूँगी। आप चाहे तो इनको ग्लू से फिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने फिक्स नहीं किया क्योंकि इसका लुक मैं बाद में चेंज करती जाऊँगी। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे जैसा कि मैंने कहा तो मुझे सपोर्ट ज़रूर करना वीडियो में, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय।